कोरोना काल में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे एसडीएमसी के कर्मचारियों को आज वसंत कुंज के निगम पार्षद ने सम्मानित किया। ये वो लोग हैं जो कोरोना मरीजों के घर से कोविड वेस्टेड को उठाने के लिए जाते हैं और इस वजह से पीपी किट पहनकर ये लोग जाते हैं लोगों के घर पर अपनी जान हथेली में डालकर, और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत ने उन सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही साथ चमन प्रास और सैनिटाइजर भी दिया और उनके इंस्पेक्टर को भी सम्मानित किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में जहाँ एक तरफ लोग एक दूसरे की मदद करने से कतरा रहे हैं, वहीं कोरोना के पेशेंट के कोविड वेस्टेड को उठाने के लिए ये लोग घरों पर और अस्पतालों में जगह जगह पर जाकर इस तरीके से सामान जो है कूड़ा है और कोविड वेस्टेड है उसको उठा रहे हैं। कोविड वेस्टेज उठाने वालों की हौसला अफजाई खुद यहाँ पर वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना काल में ये योद्धा अपनी जान हथेली में डालकर लोगों के घर घर जाकर लोगों के यहाँ से कोविड वेस्टेड, अधिकतर खासतौर पर अगर बात की जाए वसंत कुंज इलाके की, तो जहाँ पर कोविड के मरीज हैं उनके यहाँ से कोविड वेस्टेड को उठाकर ये लोग लाते हैं और इस वजह से इनको एसडीएमसी के द्वारा पीपी किट भी दी गई है और इनकी हौसला अफजाई और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उनको चमन प्रास और सैनिटाइजर दिया। साथ ही साथ उनको माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहां पर आप देख सकते हैं कि निगम पार्षद किस तरीके से एसडीएमसी के उन कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं जो कि कोरोना काल में कोविड वेस्टेड उठाने के लिए लोगों के घर पर जाते हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनके घर पर जाते हैं ये सभी कर्मचारी और उन्हीं की हौसला अफजाई कर रहे हैं वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीपी किट पहनकर ये सभी सफाई कर्मचारी जो हैं लोगों के घर जाते हैं कोविड वेस्टेड को उठाने के लिए। योद्धा को जो सम्मानित किया है, क्या वजह, क्या क्यों किया? देखिए, वजह तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी कितना विकराल रूप इस समय देश में ले चुकी है, तो ये छोटा सा हमारा हमेशा की तरह एक अपने कर्मचारियों को, अपने योद्धाओं को सम्मानित करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका हौसला बढ़ाना और उनको ये एहसास कराना कि संकट की घड़ी में आप अपने आप को अकेला ना समझें, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मानव होने के नाते आपके साथ हैं, हर कदम पे तन मन धन से आपके साथ हैं। उसी कड़ी में आज इनको एक फूल मालाओं का स्वागत करके या चवन प्रास देकर या सैनिटाइजर की बोतल देकर या अन्य कुछ सामान देकर इनको सम्मान करने का एक छोटा सा सौभाग्य मिला है। आगे भी क्या इसी तरीके का आपके वार्ड में प्रयास चलता रहेगा इसी तरीके? बिल्कुल, आगे भी पिछले साल से हम लगातार इस तरह के प्रयासों में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और अभी भी लगातार इसको करते रहेंगे जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, जब तक हम अपना ये हमारा कर्म है, धर्म है और हमें इसको निभाना है। एसडीएमसी के लिए कितना मुश्किल भरा ये कदम होता है, क्योंकि इस वक्त अपना परिवार को छोड़ के आप हो चाहे या आपके कर्मचारी सभी काम पे निकलते हैं, कितना मुश्किल है ये दौर? देखिए, एसडीएमसी के लिए हमेशा दौर मुश्किल है, कितने कम संसाधनों के बावजूद, कितने कम चीज़ों के बावजूद जो दिन रात अपना काम करते हैं, और ये तो अभी तो एक कोरोना महामारी आ गई, लेकिन उसके अलावा भी एसडीएमसी जो घरों से कूड़ा उठाना हो, चाहे रोड से उठाना हो, चाहे गंदगी साफ करना हो, उसमें निरंतर आगे रहती, तो वो हमेशा बीमारियों से लड़ने का, वायरस से, संक्रमण से लड़ने का हम एक आदि बन चुके हैं, तो हमारे ये कोरोना योद्धा इतिहास में याद किए जाएंगे। कहने को कोई कुछ कहता रहे, लेकिन जो इनकी कार्य है, इनका काम है, वो एक मिसाल पेश कर रहा है पूरे क्षेत्र में। ये उस कूड़े को उठाते हैं, उस गंदगी को उठाते हैं जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, तो इनको हैट्स ऑफ।